अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए राज़ी होना काबिल तारीफ है, जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल समानकम राजा ने कुछ रोज़ पहले कहा कि हम हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है, लेकिन बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? ये तीनों ने अपनी जगह पे ठीक बात की है, लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी ठीक से। भाई कौन लेगा? तुम लोगे और कौन लेगा? तुमसे मुराद है गवर्नमेंट लेगी। गारंटी लें, इट इज़ योर राइट, और फिर अवाम को भी एतमाद में लें कि जी हमारे दरमियान ये तय हो गया है कि जो जो भी नताइज होते हैं वो उसके पाबंद होंगे। ये कौन सा बौखा काम है? अब हमको बताओ ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और एक बात में देखें, अगर मदाकरात कामयाब रहते हैं तो पीटीआई बाउंड होगी। अच्छा। और इवन चेयरमैन, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, कि वो भी इसको रूल आउट ओवर रूल नहीं कर सकेंगे। बुनियादी बात है, जो भी एग्रीमेंट हो पाबंद होंगे पीटीआई वाले अगर होता है, और अवाम को बताएंगे एग्रीमेंट क्या है ताकि अवाम इसके गवाह रहें। मैं पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, लेकिन अगर वो एग्रीमेंट करके मुकरते हैं तो ये एक बहुत ख़तरनाक और गलत हरकत होगी। पूरा मुल्क, पूरी कौम जो है वो दाव पे लगी हुई है, मुस्तकबिल का सवाल है लोगों के, तो इस सिलसिले में तो ये तो किसी को भी इजाज़त नहीं दी सर। हाँ, आपकी बात समझ में नहीं आती है, एग्रीमेंट होता ही कोई नहीं, लेकिन ये कहना कि बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? कौन भाई, वही देंगे आप लो उनसे। दोनों फरीकैन को इस तरह के जो भी तहफ़ुज़ात हैं वो खुल के रखो, मुज़ाकरात की बुनियाद को मजबूत बनाओ, सिक्योर करो। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, जो भी साइन करके बैक आउट करता है वो कौमी मुजरिम होगा, खत्म। यानी एग्रीमेंट अगर हो जाता है, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होता तो बात और है, लेकिन अगर आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं सारे फरीक हैं, तो जो भी बैक आउट करेगा वो इस बात का ऐलान होगा कि ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का दुश्मन है, वो भले पीटीआई हो या ये खुद हो। गारंटी कौन? गारंटी कादी लेनी भाई, गल करो। मुज़ाकरात के बस असूल होते हैं, वो पहले तय कर लो, खत्म हो गई बात। बिल्कुल ठीक जी हज़रत साहब। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क बंद गली में दाखिल, निकलने का रास्ता सिर्फ डायलॉग है। कुर्सी बचाने के लिए डी चौक पर गोली चलाई गई, बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। जबकि साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF के बगैर मुल्क 6 माह भी नहीं चल सकता। दोनों ने सच बोला है। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कुछ कहा है वो काबिले कदर है, उसकी इज्जत की जानी चाहिए, उसको रिकग्नाइज किया जाना चाहिए, और अगर अल्लाह हिम्मत दे, तौफीक दे, अकल दे, तो बानी को उनको इनवाइट करना चाहिए कि आए बात करें। वो सियासतदानों में, जो मैं हमेशा कहता हूँ आटे में नमक बराबर बेहतर लोग होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, इज़ वन ऑफ देम। और जो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वो तो जिस बंदे को थोड़ी सी भी समझ है वो ये बात जानता है। अब तो हालात यहां तक आ गए हैं कि IMF के दिए गए कर्ज से भी मुल्क चलता दिखाई नहीं देता। ये जो लोरियां दे रहे हैं आवाम को, ये किसे कहानियां सुना रहे हैं? हर पता नहीं दो चंद हफ्तों के बाद बूथा उठा के कहना शुरू कर देते हैं महंगाई हो गई, और किधर हो गई? यानी तुम्हें यह कहने की जरूरत ही नहीं है। महंगाई कम होगी तो लोग उसका तस्करा करेंगे। मुसीबत यह है, इनको ये भी नहीं समझ के जब इस तरह की बात करते हैं, ये फाउल है। लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत में इजाफा होता है। और देखो, बात सुनो, जब तक सियासी हालात स्टेबल नहीं होते, मुस्तकम नहीं होते, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं मालियाती ईंधन जितना मर्जी डाल लो, मुल्क की गाड़ी नहीं चलेगी। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, इक्तसादी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम, उसके बगैर नहीं होना।
तो दोनों ने ठीक बात की है, बुनियादी बात की है, इस पे सोच विचार की जरूरत ही नहीं। जी आगे चलते हैं सर साहब। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि बानी पीटीआई का सबसे बड़ा दुश्मन साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद था, जिसने हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी से लड़वाया। काजी फैज ईसा के खिलाफ बाजवा के इमा पर हमारे जरिए रेफरेंस दायर करवाया। देखो बात सुनो, मैं एक एतराफ से आगाज करता हूँ। मुझे शेर अफजल मरवत साहब पसंद हैं बहुत, आई रियली लाइक हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि जो आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, खुल के बात करता हो, वो काबिल एहतराम होता है। लेकिन उनकी ये बात मेरे जैसे हम को सच्ची बात है समझ नहीं आई, उसकी वजह है जो आपने कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने जो मंसूब किया शेर अफजल साहब से, तो उनका कहना है कि डी जी आई एस आई फैज हमीद था जिसने हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी से लड़वाया। यार को खुदा का खौफ, एकदम मजहूल थे, नाबालिग बच्चे थे, चूचे थे, जहनी तौर पे कोई रिटार्डेड लोग थे। एक फैज हमीद, एक सरकारी मुलाजम, जिनका दो चार साल बाद बंदे शक्लें और नाम भूल जाते हैं, उन्होंने लड़वाया, तो फिर आप कौन है? मुझे मेरे किसी इस तरह मुझे कोई, मैं इस बुढ़ापे में मुझे को कहे कि मैं ये कहूं कि ये मैं मुझको फलाने लड़वा दिया फलाने, ये कौन सी लॉजिक है? फिर आप कौन हो? एक इंडिविजुअल, मुल्क की सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उंगलियों पे नचा रहा है, ये सारा कसूर उसका है? ये इट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो अगर ऐसा करने में कामयाब हुआ, चलें लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट, फर्ज कर लेते हैं कि ये ठीक है, तो फिर भी कसूरवार तो आप हैं। एक फर्द सरकारी मुलाजम, उसका कोई अगर अपना एजेंडा है और आप उसके हाथों में खेल गए, तो हु इज टू बी ब्लेम्ड? तो आप सबको नाबालिग डिक्लेयर कर दिया जाए, फिर तो पार्टी नहीं रहती, ये नाबालिगों के हाथ में। एक मुहावरा है पंजाबी का, मैं बोल नहीं सकता, तो तुम उसकी अगर उंगलियों पर नाचते रहे हो तो तुम कठपुतलियाँ थे यार, क्या थे आप? ये इट डजंट मेक एनी सेंस। या आपने कोई उसका हवाला दुरुस्त नहीं दिया, लेकिन जितनी बात आपने मेरे साथ शेयर की है मरियम, वो बहुत ही कमज़ोर और बेमानी बात। आई एम सॉरी, मैं आई कॉन्ट बाय इट। एक आदमी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे एक्सपोजर के बंदे और सारे, मतलब कोई कैसा था, अच्छा था, बुरा था, लेकिन चूचे तो नहीं थे ना यार, वो दौले शाह के चूहे थे। It doesn't make any sense to me. जी चले ठीक है सर साहब। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्टेटमेंट दी है कि फजलुर रहमान से किया हुआ वादा पूरा होना चाहिए। देखो ये बुनियादी अदब आदाब है यार, मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुसलमानों जैसे हमने नाम रखे होते हैं, नमाजें भी पढ़ लेते हैं, रोजे भी रख लेते हैं, लेकिन जिंदगी दीन इस चीज का नाम तो नहीं है। दीन तो प्रैक्टिस करने का नाम है, और प्रैक्टिस का मतलब जवाहिर नहीं है। हमारी जितनी इबादत हैं, ये याद रखना, वो खुद एंड नहीं है, दे आर मीन्स टू एन एंड। जैसे अगर आप जिम जाते हो, आपसे मुराद कोई भी नौजवान जिम जाता है, तो जिम जाना नहीं, उससे अपने जिस्म की नश्वो नुमा हदफ वो है। नमाज ने अगर आपको पाबंदी या औकात नहीं सिखाई, तो आप नमाजी नहीं हैं। अगर आप रब्बुल आलमीन के सामने सजदा देते हैं और उसके बाद चमचा गिरियां करते हैं, चापलूसी खुशामद करते हैं, तो आपका सजदा बेकार है। नमाज के बाद अगर आप एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, तो आप मुनाफिक हैं। कंधे से कंधा मिलाना मकसद नहीं है, दिल से दिल मिलाना मकसद है। यहां पाबंदी औकात नाम की चीज को नहीं, हाजी साहब अलहाज, उन्हें तमीज ही नहीं। मैंने बड़े बड़े फन खाने को वापस भेज दिया, मैंने कहा तुम लेट हो गए, वापस चल जाओ। सबको पता है, मेरे करीबियों को, एक दो चार दस नहीं, सबको पता है। फोन करके मना कर देता हूं, वेयर आर यू, के जी फलां जगह। मैंने कहा तुम्हें आते आते 15 मिनट लेट हो जाओ, ग्रहण तो चुके, मैं कभी नहीं हुआ। फारूक साहब से पूछो, मैं उस वक्त अपने फार्म हाउस पर रहता था, कहां, शहर से बाहर बेलीपुर में, पूछो इनसे मैं कितनी बार लेट हुआ हूं, कब से हम लोग साथ हैं। तो ये नहीं,
नमाज से अगर आपने सीखा कुछ नहीं तो वेले दी नमाज से कबेले दी टकरना तो वो वेले के भी हो तो टकरेंगे। अच्छा, इसलिए वादा जो है किसी के साथ भी अगर वफा ना किया जाए तो बंदा नीच है, वो घटिया इंसान है, मुसलमान तो दूर की बात। और उसमें या तो को बहुत बड़ा प्रॉब्लम, अल्लाह माफ़ करे, मैं को बात करता हूँ किसी के साथ कि जी इतने बजे पहुँचना है, ये करना है, तो अल्लाह माफ़ करे मुझे कार्डियक अरेस्ट हो जाए या मैं हार्ट, कोई इस तरह की इमरजेंसी हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट। तो बाकी मुझे इन लोगों से नफरत ही इसलिए है, मेरी कोई आबाई दुश्मनी नहीं यार सियासतदानों की। मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है लेकिन क्रिकेटर्स अच्छे लगते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है, हमारे लोगों को पसंद है, उनको खुशी मिलती है, उनको एक फख्र का एहसास होता है, हालांकि बात फजूल है ये, लेकिन उसमें पैसा पूसा भी है। चलो बात समझ में आ गई। अच्छा, मुझे इस क्लास से, इस कम्युनिटी से नफरत इसलिए है कि इनके नज़दीक वादों की कोई अहमियत नहीं, ये वादा फरोश लोग हैं। इनका मोटो होता है कि वो शेर है घिसा पिटा, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। हमारे जरदारी साहब का मशहूर कौल है कि वादे को हदीस तो नहीं होते। सुभान अल्लाह यार, तो हदीसें भी एक बहुत ज्यादा साहिब होती हैं, मुस्तनद होती हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहना वादा तो फिर बहुत अहम है। अकल को हाथ मारो, रोटी कपड़ा और मकान के वादे को कमो बेश 58 साल हो गए, किधर? चूंकि इनके नजदीक उसकी अहमियत ही कोई नहीं। 3 बार वजारत उसमें, 2 बार मुल्क की सदारत, सिंध में 4थी दफा मुसलसल इक्तदार। रोटी कपड़ा मकान क्या मिलना था, वो जो उसने जालिम ने कहा था, हर बिलावल है कौम का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। लेकिन जालिब बेचारा शायर था, कोई फिलोसोफर तो नहीं था। ये बिलावल के पांव, बेनजीर के पांव नंगे नहीं होते, बिलावल मकरूज नहीं होता, वो शायरी है। लेकिन इसका एक ये तप्पड़ था बहुत बड़ा, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तुमने बात की है, मुझे याद आ गई वो बात। तो वादों की इन लोगों के नजदीक तो फजलुर रहमान तो इस मुल्क के एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उनके साथ किया गया वादा। लेकिन जिन्होंने अवाम के साथ किए गए वादों, जिन्होंने आईन, अगर वो एक ऐसा वादा है जिस पे अमल नहीं हुआ, क्या है? कमाल है। छोड़ो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट खबर है साहब, तोशाखाना 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार, समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। क्या कमेंट करेंगे? ये 18,000 साल पर भी मुलतवी कर दी जाए तो मुझे इसके इट डजंट रियली मेक एनी सेंस टू मी, कतन नहीं। एक आम पाकिस्तानी के तौर पे मेरे नजदीक इसकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। उसकी वजह है, मुझे वो बताओ जिसने कोई कसर छोड़ी हो, कौन सा सियासी सांप और कोबरा ऐसा है जिसने तोशाखाना को डसा नहीं? बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने तोशाखाना की बहती गंगा में हाथ नहीं धोए, पूरे कपड़े उतार के गुसल नहीं किया? और तो और अंदाजा लगाओ, शौकत अजीज वो तो बुनियादी तौर पे पॉलिटिशियन भी नहीं था। हमारा कुछ फिजा ही ऐसी है, वो जो कहते हैं ना, वो वादी है ऐसी तो पीछे मुड़ के देख लिया तो पत्थर के हो जाओगे। ये पता नहीं काने नमक है, पाकिस्तान काने नमक है। जो भी आएगा, ये शौकत अजीज अच्छा खासा बैंकर, खुशहाल आदमी, सब ठीक ठाक, ले अच्छी ऐसी चोरी डकैती छछोरों वाली, ये वो लोग हैं जो अंडरवेयर भी नहीं छोड़ते। वो देखे गई, वो हार ले गया, को फलाना ओग ले गया। अच्छा, कोई बताओ जिसने बुल्ले नहीं लूटे? मैं पूरा जोर लगा के सोच रहा हूं, मुझे मलक मेराज खालिद साहब, अल्लाह मगफरत करे, या जुनेजो साहब, या कोई 2-4 और होंगे, बाकी कौन है जिसने पर्चे नहीं उतारे, उनका क्या है? ये क्या तरीका है यार? सबको लपेटो,
पूरी तरह लपेटो तो ये इसमें क्रेडिबल होगा, ये वरना इसकी जीरो जीरो क्रेडिबिलिटी। चोरों के सैले रवां और एक हुजूम से आप किसी एक को पिक करें, वो तो अभी फैसला होना है किस हद तक सही है गलत है क्या नहीं है, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मेरा सवाल ही और है, बताओ जरा ये किसने कहा था इसको काट दो वो गाड़ी ये वो वगैरह वगैरह, वो एंकर ने चला दी। लोशाखाना, ये लोशाखाना है जिनके लिए पूरा मुल्क लोशाखाना है, तोशाखाना बख्शेंगे ये, लेकिन लपेटो बाकियों को जो कब्रों में है उनकी औलादों से वसूलो, का काम को समझ आए, इनकी तरबियत भी हो इस तरह। ये इतने गए गुजरे और इतने गंदे और गलीज लोग नहीं थे हम, मिसाल नहीं ऐसी ऐसी। वो बंदा कहना यार है भी चोर है भी चोर है भी चोर, तू चबला जो है तू की कर रहा फिर रहे हैं, बस ठीक है वे ऑफ लाइफ है, ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर हाजा मिन फजल रबी भी लिखना है, माशाल्लाह भी लिखना है, कोई गिरेबान, उमरा उमरा भी करना है, लेकिन हराम अपना और खानदान का टिकट लेके। ऐसी एक ने कई मिसालें सुनी, मैं हैरान रहता हूँ कि ये कमाल की बात। एक और चोर डकैत का नहीं था जिसने को बहुत बड़ा लंबे चौड़े हाथ मारे, दुबई में अय्याशी करता था और पता नहीं कितने उसने उड़े, पिछले दिनों उसकी तफसील शायद हमने जिक्र भी किया था, इसलिए छोड़ो इसको। तो शाखाना किसको नहीं पता, जिसको थोड़ी बहुत भी जो कभी कोई अखबार देख ले, सबको पता है कि ये सब एक से एक बढ़ के हैं, गाड़ियां शाड़ियां फलाना हेरा फेरियां, इतने दे दो इतने, तुम्हारा ले लो देना क्या, तनख्वाह इनकी देखो क्लर्कों जैसी नहीं। वजीर आजम का टेक होम क्या है, इतने ईदी इस मुल्क में यार, सेनेट में ईदी भरे हुए हैं, नेशनल असेंबली में ईदी बैठे हैं, बाकी सारे सूबाई ये वो ईवानों में इतने ईदी, और लोगों के पास खते गुरबत की डेफिनेशन ये है कि किसी का कफन दफन ना कर सके कोई, अल्लाह माफ करे, फूल महंगे हो गए कब्रें पुरानी हो गई, फड़ ले आए को मतलब इसमें कोई दम नहीं, लोगों के अंदर और रिजेंटमेंट पैदा होगी, या तो पकड़ो सारे और बताओ सीनियर मोस्ट कौन है, फिर फलाना 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 करते करते पूरी लिस्ट बताओ किसने कितना लूटा है, उसका हिसाब किताब हो, क्रेडिबिलिटी होगी, वरना जो मर्जी कर लो, इसकी कोई औकात कोई हैसियत नहीं होनी। बिल्कुल हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं सर साहब। अखबारी खबर के मुताबिक काबीना डिवीजन ने ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर को वजीर आजम की मर्सिडीज बेंस गाड़ी के लिए मुबैना तौर पर जाली टायर खरीदने के इल्जाम में बरतरफ कर दिया। एक सतर में जवाब है, इस पर सोचो, बात समझ ना आए तो किसी अपनी एज से ज़्यादा के बंदे को, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की के वज़ीर मर्सिडीज बेंज, अभी मैंने जुनेजो साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा था ये हज़ार क्या टिकती नहीं इनकी, टिका नहीं जाता, भाई बड़ी गल है कोई करोले मरोले फाड़ लो, मर्सिडीज बेंज तो फलाना तो बुलेट प्रूफ तो आगे पीछे, जब तक ये गंद ख़त्म नहीं ना होता। मैंने बैरूने मुल्क देखा है यार, एक बार नहीं कई बार, ये तो अजीब लगता है, को डाकुओं का काफिला जा रहा है लूटने के लिए, हटो बच्चो, रस्ता किनका रोका है, जिनके वोटों की भीख लेके आया, कोई शर्म है अभी नहीं। नेक्स्ट खबर है साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से 5 साल नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ग्रोथ रेट 9.8%, शरह खानदगी 70% तक बढ़ाई जाएगी, गुरबत में 13% कमी लाई जाएगी, 2035 तक मुल्की मईशत का हजम $1 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ है। ये सारा जो आपका सवाल है या जो भी है, इसमें सवाए गा गे घी के और है ही कोई नहीं। पाकिस्तान का इंतजामी सियासी म्यूजिक है गा गे घी, ये खास तरह के मरासियों ने एक नया राग ईजाद किया गा गे घी, नाम देखो उड़ान पाकिस्तान, सारा कुछ तो उड़ा दिया, सारा कुछ तो उड़ा हुआ है,
तुम्हारी हर सांस उधार की है। उड़ान पाकिस्तान, डन स्कूल, ऐसा ऐसा नाम छोड़ेंगे, चमचे कड़चे होंगे अगे उन्होंने को पुछ के फिर नाम, अच्छा पीली टैक्सी, सुबहान अल्लाह, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, तंदूर, आशियाना, फलाना, उड़ाने, ये सारी उड़ाने हैं, ये भी एक उड़ान कर लें। तो बहरहाल मुल्की मईशत का ये जो आपने कहा है, मुल्की मईशत का सबको पता है, लेकिन देखो देखने वाली बात क्या है, जब हुक्मरानों की एक खादम है, सैयदुल कौम खादम हम, कौम का सरदार उसका खादम होता है, मुल्की मईशत का तो पता नहीं, इनकी अपनी मईशतें दुनिया भर में उड़ाने भर रही हैं, दुनिया भर में। ठीक है ऐसा, मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक हसन साहब। वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारे लोग तब्दीली नहीं सिर्फ तबादले चाहते हैं, जिस दिन हम करप्शन को बुरा मानना शुरू हो जाएंगे करप्शन खत्म हो जाएगी। क्यों माने भाई, बचा इस मुल्क का तो पैरेलल इकोनॉमी है ही करप्शन, मेरा दावा है आज करप्शन खत्म हो जाए, साल के अंदर अंदर अब अदी बदी फारग हो जाएगी, ये तो चल ही करप्शन पर आया। वो हमारे एक दोस्त ने बड़ी वो खूबसूरत एक पैरोडी लिखी थी, करप्शन के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, करप्शन के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, किक बैक टीटियां हैं, कौमी निशान हमारा करप्शन। ओ भाई इतनी जेनरेशन्स हमारे डीएनए में घुस गई है करप्शन, इतनी जेनरेशन्स करप्शन की गोद में पल के जवान हुई है, करप्शन की माँ का दूध पी के जवान हुई है। अगर अगर हम बुरा मानना शुरू क्यों कर दें भाई, वजह ये नाम निहाद जो रहनुमा है उन्होंने ये सारा कुछ तसव्वुर ही नहीं है करप्शन के बगैर। और करप्शन याद रखना सिर्फ माली ही नहीं होती, पुलिस के हमारे जो होते हैं बंदे बाहर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, वो पता नहीं कितनी डेढ़ दर्जन तो किस्में हैं करप्शन की, इट्स नॉट जस्ट मनी। एक सरकारी मुलाजम है वो ऑफिस लेट जाता है, ऑफिस आवर्स में अपने काम करता है, फलाना तो करप्ट है वो भी, यहाँ तो सीधा सीधा ठगी। मेरा कुछ दोस्त चंद दिन पहले, मैं नाम बता दूंगा कल तक शायद अगर मुझे याद आ जाए, मैं नाम भूल जाता हूँ अब, उसने मुझे कहा कि मैं वो देने गया बता, वो खुद भी चोर था, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम अपना भी हो, कहता जी मेरी तो मजबूरी है, मैं तो करना, मैं कहा उसकी उसकी भी मजबूरी है। वो जब देने गया उसको जो सरकारी कोई अफसर था, तो वो जो जाए नमाज है ना वो खड़ा, तो उसने कहा यार मैं तो नमाज पढ़ने लगा, तू दराज से रख दे। अब इस तरह के एक आवारा हजूम में आप कहो कि अगर हम मानना तो फजूल बात है। ऐसे साहब अखबारी खबर के मुताबिक FBI ने मुसाफिरों को बैरून मुल्क से पाकिस्तान दो मोबाइल फोन्स को लाने की इजाज़त देने की पॉलिसी को बहाल कर दी है। देखो बात सुनो, ये कोई बहुत ही घटिया नीच आदमी होगा जिसने ये शोशा छोड़ा था, मैंने शायद आशा बख्श के प्रोग्राम में या किसी में ये जिस दिन मैंने पढ़ी उसी दिन बाद में मुझे एक दो दिन बाद पता लगा कि उन्होंने फैसला वापस ले लिया, मुझे खुशी हुई। ये बड़े नीच लोग हैं यार, वो जो बंदा आता है पाल रहा है तुम्हें, वो तुम्हारी मकरूह शक्लें देखना नहीं आता, उसके को बीवी बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, भांजे भतीजे, मुमकिन है वो बहुएं होती हों या कोई पता नहीं यार, उसके बच्चे भी पढ़ते हों, और आजकल तो सेलफोन हमारे बच्चों की तो ज़रूरत है, वो बहुत सारा उनका कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह के ना मामला के साथ, तो अगर वो छः भी ले आए तो तुम्हें मौत पड़ती है, कुछ ला ही रहा है ना, इतने नीच लोग हैं, वाकई भूखे कुत्ते छोड़ने चाहिए ऐसे लोगों पे, यानी दूसरा फोन लोगे कॉन्फिस्केट हो जाएगा, फलाना होए तेरे पे ओदी कमाई है, तुसी खुश रहो दूसरों के खर्चे पे, आवाम दे फटियां बुटियां माँ ओदे तो तुसी मौजा करते हो मस्तियां करते हो, एक आदमी जो बैरूने मुल्क है तुम्हारा भी पेट भर रहा है, उसका खानदान जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी तुम्हारे नाइन में लिखी है वो भी वो, तो मिलने के लिए आता है, उसके को दामाद होंगे।
उसकी कोई बहुएं होंगी, उसके कोई बच्चे बेटे, कोई दोस्त यार, वो छह भी ले आए तो केड़ी क्या बता जाएगी। इनके अंदर, इनकी खोपड़ियों में मगज नहीं है, इनके सीनों में दिल नहीं। जानवर भी इस तरह की बात ना सोचे, खुदा की कसम उसका भी पेट पर उठ जाता है। छोटी मखलूक के लिए छोड़ के वो उठ जाता है, लेकिन ये पता नहीं क्या है। उसके फैमिली मेंबर्स होंगे यार, उसके चंद फ्रेंड्स होंगे, वो ना कि अगर चार छः मोबाइल गिफ्ट कर देगा तो उसी मुल्क आ गए पूरा। लेकिन चलो, शायद किसी ने इनको मत दियो, होश करो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक हसन साहब। डायरेक्टर नैब लाहौर अमजद मजीद ने तकरीब से खिताब करते कहा कि मेरिट तस्लीम ना हो तो फिर शिद्दत पसंदी में इजाफा होगा। देखो, मेरिट जिंदगी में एक लफ्ज काफी है उसकी, अगर समझ। मेरिट जहालत जज्बातियत पैदा करती है, जज्बातियत जब आम होती है तो उसको एक्सप्लॉइट करना किसी भी बंदे के लिए बहुत आसान है। यूं कर देंगे, बूं कर देंगे, टके टके के बंदे बेवकूफ बनाए जाते हैं। क्यों? वो जाहिल है। जाहिल क्यों है? चूंकि मेरिट नहीं है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाकिस्तान में कायद आजम मोहम्मद अली जिना के रुखसत होते ही उनकी मौत के साथ ही मेरिट की मौत हो गई थी। मेरिट, अगर मुझे को कहे कि पाकिस्तान के मसाइल का हल, मैं एक लफ्ज बोलूं, मेरिट। हर जगह मेरिट। यहां पूरा पूरा खानदान जुतियां समेत चढ़ जाता है सिर पे, कोई शर्म हया है ही नहीं। जिंदगी में मेरिट के अलावा है ही कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरिट का क्या ताल्लुक है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जाली किले में जाली जाते हैं, ये बुनियादें हैं आपकी। शिद्दत पसंदी ये क्यों आती है? इसके पीछे भी मेरिट, मेरिट की मौत है। जहालत क्या है? मेरिट की मौत है। बेरोजगारी क्या है? मेरिट की मौत है। तुम अपने टके टोकरी हो, तुम्हारे तो सीनियर सियासतदानों की डिग्रियां जाली निकली हैं। तो क्या इट बॉइल्स डाउन टू मेरिट, जिस भी चीज के बारे में। हसन साहब, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स इतिहाद में शामिल ममालिक को खतरनाक नतज की धमकी देते हुए कहा कि अगर वो डॉलर के मुतबादल करेंसी लाए तो उन पर 100% टैक्स लगेगा। देखो, इसके इसको देखने के कई तरीके हैं। एक तो ये है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात, कमजोर को माननी पड़ती है। अब IMF जो चाहे आपसे मनवा ले, जो चाहे, मैं कह रहा हूं ऐसे चुटकी बजाते कलैप्स हो जाएगा सारा कुछ। क्यों? माड़ा, कमजोर, मफलूज है, जुर्म ज़ईफ़ी की सदा मर्गे मफाजात। ये धमकियां इसलिए दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं, माइट इज राइट। बिल्कुल यही कानून है पूरी दुनिया का, पूरी इंसानी तारीख उठा के देख लो, माइट इज राइट। आपने अच्छी बात भी मनवानी होगी, तब तक नहीं मनवा सकते जब तक आप ताकत हासिल नहीं कर। लिखी पड़ी बात है। अच्छा, ये कहानी भी ये बहुत दिलचस्प है कि डॉलर के बारे में, करेंसी, करेंसी है क्या? देखो, सबात एक तगैयर को है जमाने में, सिर्फ तब्दीली ही एक मुस्तकिल चीज है। अमेरिका का वजूद ही नहीं था कुछ अर्सा पहले तक, वजूद ही नहीं था, ये नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया की तारीख में। फिर वो सुपर पावर बन गए। अब इनका कल क्या बनेगा अल्लाह बेहतर जानता है। और ये जो है ना डॉलर के मुकाबले करेंसी, करेंसी क्या है? करेंसी वो एक पता नहीं केड़ा है, पता नहीं क्या फील्ड, वो यहूदियों का कागज़ से शुरू हुआ था कि वो इतना कागज, इतने इतना सोना उसके अगेंस्ट इतना कागज, उससे उससे पहले क्या था, बाटर क्या था, माल के बदले माल। फिर ये भी हुआ है कि मतलब मुख्तलिफ अजनास मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी के लिए। अरब के जो काफले जाया करते थे इतनी 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 देर के बाद वापस आते थे, वजह क्या थी? जो वो अरब से लेके जाते थे वो बेचते, टाइम लगता था, फिर उसके इवज़ वो जो सामान उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करना होता था उसमें टाइम लगता था, फासले ज़्यादा थे, ये
खोतियां घोड़ियां ऊंटा ते जाहिर है टाइम लगता सी, तो इस करंसी बहुत सारे मराहल से गुजर के मॉडर्न करंसी बनी है। इसके पीछे गोल्ड का होता है, वो बतदरीज कम होता गया है। अब ट्रंप या नो ट्रंप, दुनिया में सिर्फ तब्दीली ही एक मुस्तकिल चीज है। अब आज डॉलर है, कल क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। अमेरिका की सुपर पावर ही कहीं ना कहीं मुंतकिल होनी जरूर है, ये याद रख लेना। ये अलहदा बात है कि हम रेस में नहीं है। हमसे मुराद मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरा आलम इस्लाम रेस में शामिल ही नहीं है। अगर रोमन एम्पायर ना रही, ऑटोमन्स ना रहे, सोवियत यूनियन हमारे का कल पता नहीं चाइना की लॉटरी निकल आए, ये होना है। लेकिन कब? जब उनका जोफ बढ़ता जाएगा अमेरिकन्स का। फिलहाल ये धमकी क्या है, मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं है कोई छह लता को आठ बाजू तो नहीं। दम है पीछे, कौम है पीछे, इजादात का तूफान है पीछे। असी तो और तरह दी चीज़ा ईजाद करने हैं, सुबहान अल्लाह, सुन सुन के हैरत होती है बाजू का। तो और ब्रिक्स बेसिकली भारत, रूस, ब्राज़ील, चाइना, वो जनूबी अफ्रीका वगैरह पे मुश्तमिल है। मतलब ठीक है, जब तक उसका जोर चलता है चलाएगा, जब तक ऑटोमन्स का चला, जब तक मुगलों का चला, जब तक जिसका जोर चलता है वो कराए। माइट इज राइट, आखिरी कानून यही है, किसी को समझ आए ना आए, कोई इसको माने ना माने, माइट बस। तो ठीक है, जब तक उसका जोर है वो कोशिश करेगा। कल जब पासा पलट गया सब कुछ पलट जाएगा। एक तो देखें जो विजडम है ना, कुरानिक विजडम, अल्लाह पाक इंसानों में दिनों को फेरता रहता है। इंसानों का मतलब है कौमों में भी। ये सारे कौन थे ऑटोमन्स, 600 पता नहीं 20 साल तीन कॉन्टिनेंट्स पे, वो पहले मुसलमान हैं उनको इस तरह का थे। कौन? चरवाहे, गडरिए, फिर उनके दुश्मन कहा करते थे सलमान द मैग्निफिशेंट, और मेरा सुल्तान वाला, उसमें तो खैर ड्रामा बहुत है कि जहाँ उसके घोड़े की टाप पड़ जाए वो मुल्क उसका हो जाता है। ये लेवल था। ये पढ़ के देखो तारीख कभी, और बात सुनो, एक बात बहुत ज़रूरी है, मैं बच्चों के लिए ये बात कर रहा हूँ, नौजवानों के लिए। हमारे यहाँ बहादुरी को बहुत दलेरी, इट इज ओनली वन पार्ट। खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद से लेके वो मोहम्मद फातेह, सुल्तान मोहम्मद फातेह तक दलेरी, इरादा और ये मिस्त्री थे, याद रखना। जो जो चीजें बनवाई थी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कस्तनतुनिया की फतह करने के लिए, विच वॉज नॉट बिलीवेबल, जहानत, ईजाद, इख्तरा, क्या कभी पढ़ के देखो। इसी तरह हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में मैंने पढ़ा, मैं हक्का बक्का रह गया। उन्होंने शॉर्टकट मारना था ताकि दुश्मन को बिल्कुल खबर ना हो सके, तो रास्ता सारा रेगिस्तानी टाइप था। उन्होंने ऊंटों को बेतहाशा पानी पिला पिला के उनके होंठ सी दिए। अब ये उस जमाने में यही टेक्नोलॉजी टेक्निक्स इसी तरह की होती थी ना। गन आई तो वो ये अकबर आजम वाज़ द फर्स्ट वन टू हैव दैट गन, पता नहीं मुझे अब नाम भूल रहा। ये हमने ना फुटपाथियों की तरह, शोधों की तरह, शुजात को बस ऐवी है एक ऐसे करके हर बंदा ही टीपू सुल्तान बनया फिरता। नो, हर बड़ा फाते एक बड़ा मूजिद भी होता है। उसकी स्ट्रेटेजी वो क्या होती है, वो भी टेक्निक। सही। तो हमारे यहाँ ये तस्वुर बहुत गलत है, लेकिन चलो ठीक है। आलमी खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक चीन के सदस्य शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका के साथ तजारती जंग के नतीजे में कोई फातह नहीं होगा। बहुत खूबसूरत बात है, जंगों में बेसिकली फातह होता ही कोई नहीं, अल्टीमेटली सब कुछ रिवर्स हो जाता है।
बायजीद यलदरम की अमीर तैमूर ने कमर तोड़ दी। वो एक ऐसा आदमी था जो जिंदगी में कोई जंग हारा ही नहीं था। किधर है तैमूर आज? उसकी लाश निकाल के रूसी ले गए थे सोवियत यूनियन वाले, पता है? उसकी लाश ले जाई गई, उसका पूरा जिस्म चेहरा बनाया गया एक्सपर्ट्स को बुला के। इस बात की तस्दीक भी उन्होंने की कि वो लंगड़ा था, उसके फलां जगह पे, इस जगह पे तीर लगा था। उन्होंने देखा कि यार ये मिलिट्री जीनियस था, ये चीज क्या थी? लाश ले गए इज्जत एहतराम के साथ। उसने उसका अमीर तैमूर का चेहरा रिक्रिएट किया। अब वो 90% शक्ल जो है अमीर तैमूर की वो ठीक है, 100% है। यानी जिस बंदे ने बायजीद यलदरम को जाके रोल दिया, उसके बारे में हैरल्ड लैम ने लिखा है द अर्थ शेकर, यानी दुनिया को झंझोड़ देने वाला, उसकी लाश ले गए, उसकी काटा पीटी कर गया, जो भी करना था, उसका जिस्म पूरा बनाया, उसको ये कि अगर हड्डियां यूं हैं तो चेहरा यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, ये वो सारा करके वो रिक्रिएट किया उन्होंने उसको, और एहतराम से वापस ला के दफन कर दिया। ये औकात है तुम्हारी। तो मुझे बात करते हुए भी शर्म आती है कि हमारे अरब वर्ल्ड में किन किन लोगों की कब्रें खुदी गई और वो निकाले गए और टांगे गए या गायब भी कर दिए गए। मतलब ये सारा जिंदगी यूं ही चलती है। अब आप पूछा क्या था आपने यार? सॉरी, मैं बुढ़ापे के नुकसान आते हैं बड़े। हाँ हसन साहब, चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका के साथ तजारती जंग के नतीजे में कोई फाते नहीं होगा। ये चीनी सदर का ये बयान नहीं शायरी है, ये विजडम है, ये अकवाले जरी में शामिल होने वाली बात है। कोई फाते नहीं होता, कोई मफतू नहीं होता, आखिर पे बस वही कहानी रह जाती है। और ये जो कहा है ना चीनी सदर ने, ये एक विजडम वाली बात है कि अमेरिका के साथ तजारती जंग के नतीजे में कोई फाते नहीं होगा। क्यों? कारोबार और काम होता है म्यूचुअली बेनिफिशियल। मेरे और आपके दरमियान अगर कोई डील होती है, उसमें आपका भी फायदा हो, मेरा भी हो, किसी का कम किसी का ज्यादा, दैट इज सेकेंडरी। अच्छा, इसके अलावा जो होता है वो बदमाशी होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, धांधली होती है, अजारादारी होती है, मोनोपोली या वो माफिया गर्दी होती है। अदरवाइज तिजारत में तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल वही तिजारत है और वो ठीक है। विजनरी लीडर ने बात की है, कमाल है जो कहां से कहां ले गया चीन को। सानू चिंबड़े ने माशाल्लाह। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से जाना चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।